कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी आए, वो रुके एकदम से, वो हाथ मिलाए हमारे से। उसने बोले जो मेरा आप दाढ़ी की सेटिंग करोगे, मैंने बोला जरूर करूंगा सर। राहुल जी आने के बाद मेरे को एकदम से इतना मतलब को खुशी के आंसू आ गए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। राहुल जी आए ना, मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके लायक, मेरे पास टॉवल नहीं है, अभी धूल मिट्टी में सना हुआ है, मैं आपको टिश्यू पेपर लगा दूँ। उन्होंने एक ही आवाज़ दिया कि जो भी आपके पास है वो लगाइए। वही गंदा तौलिया मैंने राहुल जी के इस पे रखा, बनाए राहुल जी ने खुश होकर बनाए। उनको ऊपर कोई ये नहीं दिखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ, ऐसा कोई स्वभाव उनके ऊपर दिखाई नहीं दिया। और ये यादें बन गई है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मुझे याद होगा कि देश के टॉप लीडर से मेरी मुलाकात हुआ है, कि मेरे दुकान में प्रभु श्री राम आ गए हैं। मेरा दिल कह रहा, मेरा दिवाली आज मन गया, मैं बहुत खुश हुआ। देश के इतने बड़े टॉप लीडर, वो छोटे से मोहल्ले में वो छोटे छोटे लोगों से मिलना, मेरे दिल को भाग गया बिल्कुल। देखता हूँ आज कल लोग सांसद बनने के बाद मोहल्ले को देखने तक नहीं आते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, वोट लिए चले गए, कोई मर रहा है मरने दो, लेकिन इतने पद पे बैठे हुए नेता और आके देख लेना, बहुत बड़ी बात है। जमीनी नेता होना चाहिए बिल्कुल, जो छोटे से छोटे आदमी, छोटे पैदान तक आदमी से मिले, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के उत्तम नगर में हूँ और उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी है। आज सुबह सुबह राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो आप सब ने देखा होगा। वीडियो में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है यहीं पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, तमाम कुम्हारों से मिले, कुम्हार परिवार से मिले और उनके साथ जो है वो मिट्टी के दिए बनाए और उनसे उनके दिए के कामकाज में जाना, ये भी समझा कि दिए कैसे बनते हैं, उन्होंने खुद दिए बनाए, ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी इसी मोहल्ले में एक सैलून पर आए थे, एक दुकान पर आए, वहाँ पर उन्होंने अपना दाढ़ी और बाल कटवाया। एक किस्सा जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी रायबरेली में गए थे, तो रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान एक सैलून पर वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने जो है दाढ़ी बाल ठीक करवाए थे, कटवाए थे। अब वो दिल्ली में जो है दिवाली से पहले आए और उन्होंने जो है इसी दुकान पर अपना जो है बाल ठीक करवाया, दाढ़ी ठीक करवाई। दुकान का नाम है क्लासिक और भाई साहब हैं, इनका नाम पूछते हैं और कैसे राहुल गांधी यहाँ पे आ गए, ये बातचीत करेंगे। ये देखिए दुकान, पहले तो आपको दिखाता हूँ कि ये दुकान कैसी है। इस दुकान को देखिए और ये सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपकी दुकान पे राहुल गांधी कैसे आ गए थोड़ा बताइए, लोगों को तो पता नहीं चल रहा, थोड़ा बताएं क्या कुछ हुआ। मैं बाहर खड़ा था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी आए, वो रुके एकदम से, वो हाथ मिलाए हमारे से, पूछे आप क्या करते हो। मैंने कहा सर हमारा नाई की शॉप है। तो उसने बोले जो मेरा आप दाढ़ी की सेटिंग करोगे, मैंने बोला जरूर करूंगा सर। फिर वो आए हमारे साथ, बैठे हमारे चेयर पे, उनका हमने काम किए। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका दुकान अपना है या किराए पे है। मैंने कहा सर मेरा दुकान भी किराए पे है, जिसमें मैं रहता हूँ वो भी किराए पे है। तो बोला आपका किराया मंथली का कितना लग जाता है। मैंने कहा सर कम से कम 10,000 रुपये तो मेरा किराया चला जाता है। बोला आपकी कमाई, तो मैंने उनसे बताया सर मैं महीने में दिव्यांग आदमी हूँ, डिसेबिलिटी पर्सन हूँ, पैर से अपाहिज हूँ, कम से कम 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ, जिसमें 10,000 रुपये से किराए हो गए, 5,000 रुपये बचते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, वो सारे खर्चे में नहीं चले जाते और हम कर्जे में दब रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, हम आपका ख्याल करेंगे। यही सब बातें हमारे साथ उनके साथ हुआ। और वो पूछे मेरे से आप पीछे से कहाँ से रहने वाले हो। मैंने कहा सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बेगूसराय ज़िला से, और मैं दिल्ली में 1993 से रह रहा हूँ, 93 से। यही सब बातें हमारे उनके साथ हुई। कि अचानक से आप ही की दुकान पे वो कैसे आए, और आए तो खुश हुए कि थोड़ी घबराहट सी हुई, कैसा लगा थोड़ा ये बताओ। राहुल जी आने के बाद मेरे को एकदम से इतना मतलब को खुशी के आंसू आ गए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं ये नहीं समझ रहा था कि अचानक मेरे पास आना, बहुत ही अचंभित हो गया मैं। देश के इतने बड़े टॉप लीडर, वो छोटे से मोहल्ले में वो छोटे छोटे लोगों से मिलना, मेरे दिल को भाग गया बिल्कुल। मैं अपने आप को संभाल नहीं सका, मेरे आंखों से आंसू बहने लगा। मैंने अपनी व्यथा बताया उनको कि मेरे साथ ये समस्या, मैं दिव्यांग आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा लड़का रहा, उनको दिखाया। तो यही सब बातें हमारे उनके साथ हुई। उसने मुझे बहुत सारे आश्वासन दिए, ठीक है कीजिए, जो हमसे हो सकता है वो आपकी मैं सहायता भी करूँगा। देख रहा हूँ आप अभी भी भावुक हो रहे हैं,
भावुक होने की क्या वजह थी, मतलब कि कैसे भावुक हो गए आप? भावुक इसलिए हुआ कि ये छोटे से मोहल्ले में और इतने बड़े पद पर रहने वाले आदमी जो देश का नेता विपक्ष हो और एकदम से मोहल्ले में आ जाए, उस मोहल्ले का सौभाग्य होता है, इसका आंसू आ गया था मुझे। क्या बातचीत हुई और कैसे? बस यही सब बातें हुई, तो इतना ही बात हुआ था मैं उनसे। कितना वक्त बिताया आपके साथ उन्होंने? कम से कम 20 मिनट। अच्छा। 20 मिनट बैठे। तो बाल भी कटवाए कि सिर्फ दाढ़ी कटवाई? दाढ़ी सेटिंग करवाए थे। अच्छा। कर दी बढ़िया से? हाँ कर दिए, जितना मेरे पास नॉलेज था उतना मैंने कर दिया। क्या बोले जब दाढ़ी सेट कर दिया आपने, तो कैसे बोले, अच्छा किए हो कि क्या? हाँ बोले ठीक है, फिर वो जेब में हाथ डाले, पैसा निकाले, मेरे हाथ में पैसा दिए, बोले जितना हो सकता है मैं आपकी ख्याल जरूर करूंगा। हाँ कितने रुपए की दाढ़ी बना दी राहुल गांधी? 500 रुपये दिए। अच्छा 500, 500 रुपये दे गए थे। अच्छा। कैसा लगता है कि जब एक नेता इस तरह से सड़कों पर आए, लोगों से बातचीत करे, उनके जैसा बनने की कोशिश करे, ये क्या बदलाव इस देश में आप देख रहे हैं? देश का सौभाग्य है जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ नेता निचले पायदान के आदमी से मिले, बहुत कम देखने को मिलता है। देखता हूँ आज के लोग सांसद बनने के बाद मोहल्ले को देखने तक नहीं आते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, वोट लिए चले गए, कोई मर रहा है मरने दो, लेकिन इतने पद पे बैठे हुए नेता और आके देख लेना, बहुत बड़ी बात है। आपकी दुकान पे ये देख रहा हूँ, ये क्या रखा हुआ है आपकी दुकान में? रख रखा ये इसमें थोड़े से दिए हुए हैं, दिवाली के। अच्छा, दिए हुए हैं। हाँ दिए। तो दिए का काम भी आप करते हैं? दिए का काम ऐसे मतलब 2-4 कट्टा ही बच्चा छोटा सा बोला खाली मोहल्ले में है तो रख लो, बिक जाएगा कुछ 2-4 रुपये बन जाएगा। अच्छा। तो हमारे कपड़े वगैरह बन जाएगा। तो आप जो है नाई का काम भी करते हैं और दिए का काम भी करते हैं? हाँ हाँ दोनों कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि मतलब दुकान में देख रहा हूँ कि मतलब बहुत सामान्य दुकान है आपकी, उसमें दिए भी रख रखे हैं, ये आपका मशीन जो है ऐसे है, और एकदम थोड़ा ये नहीं लगा कि वो ऐसे जता रहे हो कि नहीं ये तो मेरे हिसाब से नहीं है, मैं तो अलग जगह बाल बाल कटाता हूँ, बैलेंस नहीं हो पा रहा? बहुत बढ़िया बात पूछे आप, मेरे दिल को छू गए बात। राहुल जी आए ना, मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके लायक, मेरे पास टॉवल नहीं है, अभी धूल मिट्टी में सना हुआ है, मैं आपको टिश्यू पेपर लगा दूं। उन्होंने एक ही आवाज़ दिया कि जो भी आपके पास है वो लगाइए, आपके पास जो चीज़ अभी मौजूदा में उपलब्ध है वो लगाइए। वही गंदा तौलिया मैंने राहुल जी के इस पे रखा, बनाए राहुल जी ने खुश होकर बनाए, उनको ऊपर कोई ये नहीं दिखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ, ऐसा कोई स्वभाव उनके ऊपर दिखाई नहीं दिया। एकदम सामान्य आदमी की तरह बैठे रहे? बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह। और ऐसे बताया जाता है उनके बारे में, बातें करते लोग कि ये तो मतलब बहुत बड़े परिवार से हैं, राजनीति विरासत में मिली है, आम लोग की बातें कहाँ समझ पाते हैं? लोगों की अपनी अपनी भूल है, आज देखो देश में क्या बीत रहा है, देश की हालात देखो, और इन नेताओं को देखो, आखिर पिछले समय में काफ़ी समय तक राज किए हैं, वो भी टाइम था और अब भी टाइम है, बहुत कुछ बदलाव है। ऐसे नेता जिस टाइम पर अभी जो राहुल गांधी आ रहे हैं बहुत कम मिलेगा देखने को, इतनी लंबी लंबी यात्रा किए पैदल, आज के टाइम में नेता गाड़ी से उतरने को राजी नहीं होता, 2 मिनट आया राम सलाम क्या चलता बना, इनको देखा, इनका परिश्रम देख रहा हूँ मैं, और आने वाले टाइम में किस्मत साथ देगा तो सही जगह पर रहेंगे। चौंक नहीं गए राहुल गांधी को देख के? कभी सपने में सोचे थे कि राहुल गांधी आपसे जो है अपने दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए आपके सैलून में आए? कभी नहीं, कभी नहीं, ये मेरी यादें बन गई, अब मेरी यादें बन गई कि मैंने हाँ देश के टॉप लीडर का मैंने थोड़ा सा जो मेरे से बना मैंने किया है, मैंने भविष्य में नहीं सोचा था ये बात। अभी आप बता रहे थे आपने मना कर दिया था राहुल जी को कि आपके पास चीज़ें नहीं, आपकी दाढ़ी नहीं ठीक कर पाएंगे। मैंने राहुल जी से कहा, आगे मेरे तो घबराहट सा होने लगा, भाई क्या करूं मैं, अब हमारे शॉप में आए हैं उनके लायक, वो तो नहीं बोले, मेरे मन में हुआ है कि उनके लायक कोई मेरे पास ना तो औजार है ना कुछ और है, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जो आपके पास अवेलेबल है आप कीजिए, जो है आपके पास कीजिए। एकदम ऐसे ही बहुत सामान्य, बिल्कुल सामान्य, जैसे आम लोग होते हैं दिन भर बेलदारी करके आगे बढ़ जाते हैं, कहीं भी से बना के हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से उस टाइम पे। वो दिक्कतें क्या हैं, आपका काम काज कैसे चल रहा है, क्या परिवार में दिक्कतें, थोड़ा ये भी बताइए। काम काज मैंने राहुल जी से बताया था कि मेरी पत्नी जो है वो हार्ट की पेशेंट है। अच्छा। मैं पैर से दिव्यांग हूँ, डिसेबिलिटी पर्सन हूँ, बच्चे हैं पढ़ते लिखते हैं, बस मैं अपनी हालत उनको बताया, 93 से रह रहा हूँ, जो हमारी परेशानी थी मैंने उनको बताया है, उन्होंने मुझे भरपूर आश्वासन दिए हैं कि जो हमसे हो सकता है वो आपको किया जाएगा। जी अच्छा, आप फ़ोन वगैरह देखे, समाचार में आया, आप टीवी देख रहे थे?
हाँ टीवी देख रहे थे लेकिन टीवी में अभी तो कुछ नहीं आया। पूछ रहा हूँ ये सवाल कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था 2024 यही लोकसभा का चुनाव, तो रायबरेली से चूँकि वो चुनाव लड़े, तो रायबरेली में वो चुनाव प्रचार के दौरान गए थे, तो वहाँ भी ऐसे ही एक सैलून था बहुत सामान्य सा, तो वहाँ पर उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी सेट करवाए थे, वो चीज़ें बड़ी वायरल हुई थी। गए थे वो मोची के दुकान में, चप्पल भी सिलवाए थे वो, गए बहुत वायरल हुआ था फोटो। नेता ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना, जमीनी नेता होना चाहिए बिल्कुल, जो छोटे से छोटे आदमी छोटे पायदान तक आदमी से मिले बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि राहुल जी से कुछ कहना चाहेंगे कुछ? राहुल जी से मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं बिल्कुल गरीबों को उसी तरीके से ध्यान दीजिए, और आप कभी भी जो आपने काफ़ी समय तक आपके परिवार के लोगों ने राज किया, दोबारा आप फिर पूरे समय तक राज करोगे आप। लोग उन्हें कहते हैं जननायक हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के नेता हैं, वो नेता विपक्ष नहीं हैं, वो नेता जनता के हैं, इसको आप कैसे? बिल्कुल रियल सही बात है, देश की संसद में जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ होती है, छोटे तबके लोगों को क्या चाहिए वो मुद्दा उठाते हैं, जमीनी बातें कहते हैं वो, पर उनके बातों को इग्नोर करते हैं, ये सच्चाई है। भावुक भी हैं लेकिन खुश भी हैं कि राहुल गांधी आपके सैलून की दुकान पर आए। बहुत बहुत बहुत, मैं बहुत खुश हूँ आज, सपने में सोचा नहीं था, और ये यादें बन गई है कि मैं कब जब तक जिंदा रहूँगा मुझे याद होगा कि देश के टॉप लीडर से मेरी मुलाकात हुआ है। दिवाली के समय अयोध्या में राम जी आए थे, सब खुश हो गए आपकी दुकान पर, राहुल गांधी आ गए, बहुत खुश हुए। वही मैं सोच रहा था, क्या सोच रहे थे कि मेरे दुकान में प्रभु श्री राम आ गए हैं, मैं भी सोच रहा था ये बात, कहाँ आते हैं ऐसे लोग, बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। ये 6 महीने से 8 महीने से जो इनकी मैं देख रहा हूँ राहुल जी की यात्राएं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी दूर तक कहाँ कहाँ तक गए हैं, हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो छोड़े हैं यात्रा, बहुत की यात्राएं। आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम अजीत ठाकुर। अजीत ठाकुर जी, आप ये कह रहे कि दिवाली का समय है, आपने अभी एक जिक्र किया इसलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि आपको ऐसा लगा कि आपकी इस दुकान पे राम भगवान आ गए, दिवाली का समय, राम भगवान अयोध्या में आए थे तभी सी दिवाली मनाई जाने लगी, और आप कह रहे कि आपकी दुकान पे आज मन गया है, मेरा दिल कह रहा मेरा दिवाली आज मन गया है। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। तो आपने राहुल जी की दाढ़ी बनाई, वो खुश थे? हाँ खुश थे, बहुत अच्छा लगा। आप भी खुश? बहुत खुश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए बहुत सामान्य सी जो है ये दुकान है, और हालांकि दुकान कोई भी हो कैसी भी हो काम तो वही होता है ना, दाढ़ी बाल तो ऐसे ही बनता है। तो यही बात अब राहुल गांधी की जो है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, और यही वजह है कि उनको लोग अब जननायक कहते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो जिक्र किया कि यात्राएं निकाली दो दो, कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मणिपुर से महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, और उसके बाद उनकी ये यात्रा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो, चाहे कुम्हार हो, चाहे जिस तरह से दिखे दुकान पे आए वो अपनी दाढ़ी बाल बनाने के लिए, मोची से मिलते हैं, कुली से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और ये बहुत अहम हो जाता है कि इस तरह की दुकान पे उनका आना और चीज़ें ठीक करना। तो फिलहाल राहुल गांधी इस दुकान पे आए, उन्होंने अपनी दाढ़ी बाल ठीक करवाया, और भाई साहब को बहुत खुशी हुई, बहुत भावुक हो गए थे, और इनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से इनकी दुकान पे आए इनको बहुत अच्छा लगा, और यही वजह है कि जिस तरह से राहुल गांधी सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये बात उनको जननायक बना रही। बहुत बहुत धन्यवाद।